बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल्स साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। दिस इज़ द लेक्चर फॉर ग्रेड 6 सब्जेक्ट जियोग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ जियोग्राफी विच इज़ गिवन टू यू ऑनलाइन थ्रू यूट्यूब। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सेकेंड एजेंडा फ्रॉम द टर्म 2020 एंड वी आर गोइंग टू बिगिन विद द यूनिट नंबर 6। एंड दिस यूनिट नेम इज़ लैंड फीचर ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पाकिस्तान के लैंड फीचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ज़्यादा लकी है इस लिहाज से कि यहाँ पे 4 सीजन्स हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर विंटर ही रहता है, यहाँ थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे सूरज ही रहता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑटम सीज़न नहीं है या स्प्रिंग सीज़न नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा लकी मुल्क है जहाँ पे 4 सीजन्स अपनी पूरी वो कम्प्लीटली यहाँ पे वो आते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो करते हैं। तो पाकिस्तान की जो लैंड है, पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप्स की लैंड है। पाकिस्तान में सी भी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोस्ट भी है। पाकिस्तान में रफ़ रज्ड माउंटेन्स भी हैं, हिल्स भी हैं। पाकिस्तान में प्लेन्स भी हैं, मैदान जिसे आप कहते हो। और पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान में डेजर्ट्स भी हैं। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर विच कवर्स ऑल 4 लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान विच आर माउंटेन्स, एवरग्रीन प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड कोस्ट्स। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन रेंजेस से। और माउंटेन रेंजेस जो 2 मेजर माउंटेन रेंजेस हैं उनमें से हम फर्स्ट वाला माउंटेन रेंज नॉर्दर्न माउंटेंस आज के इस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। इसमें आई होप आप समझ गए होंगे कि हम बहुत इन्जॉय करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में बहुत सारे आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें आप अंडरलाइन करेंगे और लर्न करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए MCQs के तौर पे आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आ सकते हैं। उसके अलावा आज के लेक्चर में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कवर करने जा रहे हैं। सो गेट रेडी एंड बी अटेंटिव। बिफोर वी बिगिन फ्रॉम बुक, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव योर जियोग्राफी बुक विद यू एंड योर पेंसिल इन योर हैंड, एंड योर पेंसिल शुड बी शार्प एंड गुड इनफ। आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन करना होंगी, आपको कुछ क्वेश्चन मार्क भी करना होंगे। सो अपनी पेंसिल हाथ में पकड़ लें एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओपन पेज नंबर 73। नेचर हैज़ गिफ्टेड आवर कंट्री विद एवरी टाइप ऑफ लैंड। देर आर लॉफ्टी स्नो पीक्ड माउंटेन्स, एवरग्रीन प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड coasts which have attraction for the tourists. Let's have a look on the landforms of Pakistan. First landform is mountain ranges. Arabian Sea is situated in the north of Pakistan. Arabian Sea is situated in the south of Pakistan. Starting from the coast, the height increases towards north until we reach the high mountain ranges. डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, जो आपको पता है कहाँ है, किस सिटी में है। यस, कराची में है। कराची पाकिस्तान के साउथ में है, और पाकिस्तान के साउथ में कौन सा सी है, अरेबियन सी। और अरेबियन सी से जब आप नॉर्थ की तरफ को मूव करते हैं तो जो लैंड है वो हाइट पकड़ने लगती है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ को चलते चले जाते हैं तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ कैसे हैं, ऑल ऑफ़ यू नो दैट हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ कैसे हैं, दे आर एरियाज़ कवर्ड विद माउंटेंस। तो जब आप साउथ से अरेबियन सी से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ग्रेजुअली हाइट इंक्रीज़ होती है, और इवेंचुअली आप पाकिस्तान के नॉर्थ में माउंटेन एरियाज़ में पहुंच जाते हैं, जहां पे 2 माउंटेन रेंजेस हैं। द माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स, नॉर्दर्न माउंटेंस एंड नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न माउंटेंस। ये जो 2 माउंटेन रेंजेस हैं, एक रेंज ऑफ कोर्स नॉर्थन साइड पे है और दूसरी नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट माउंटेन साइड पे है, और ये दोनों रेंजेस जाके एक जगह पे मीट करती हैं जिस जगह का नाम है पमीर कनोट।
और ये कहाँ है, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में वाक़े है। आप लोग आ जाएं पेज नंबर 74 पे, और पेज नंबर 74 पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्थर्न माउंटेन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो माउंटेन रेंजेस के नाम थे, आप इनको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से दो सेगमेंट्स हैं पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस के। तो उसका ये आंसर होगा कि द माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, नॉर्थर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। अब पेज नंबर 74 पे आ जाएं एंड वी आर गोइंग टू बिगिन नॉर्थर्न माउंटेन्स। देर आर टू रेंजेस इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स। फर्दर नॉर्थर्न माउंटेन्स में भी कितनी माउंटेन रेंजेस हैं? टू। फर्स्ट इज़ हिमालय एंड द सेकेंड इज़ कराकरम। हेयर डियर स्टूडेंट्स, लुक इन द इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन अ बॉक्स। इट इज़ रिटन दैट द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे हाइएस्ट माउंटेन कौन सा है? उसका नेम है माउंट एवरेस्ट। इट हैज़ अ हाइट ऑफ 8,850 meters एंड इट इज़ सिचुएटेड इन नेपाल। आप इस पूरे को अंडरलाइन कर लें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, उसके अलावा इसकी हाइट एज अ MCQ आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है। इसी तरह ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नेपाल में। ये भी आपको MCQs में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। सो प्लीज़ अंडरलाइन इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर फर्स्ट सब सेगमेंट ऑफ माउंटेन्स विच इज़ द हिमालयाज। द हिमालयाज आर डिवाइडेड इन टू थ्री सेगमेंट्स विच आर सिचुएटेड पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। फर्स्ट इज सिवालिक हिल्स। द सिवालिक हिल्स आर सिचुएटेड इन इस्लामाबाद, मरी, होंसा एंड एबटाबाद। एवरेज हाइट ऑफ दीज हिल्स इज़ अबाउट 800 meters। डियर स्टूडेंट्स, ये अभी आप अंडरलाइन कर लेंगे कि सिवालिक हिल्स की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 800 meters। कम टू पेज नंबर 75। लेसर हिमालयाज। इन द नॉर्थ ऑफ सिवालिक हिल्स आर द माउंटेन्स ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड पीर पंजाल। एवरेज हाइट ऑफ दीज माउंटेन्स इज़ अबाउट 4,000 meters। ये भी आप अंडरलाइन कर लें कि लेसर हिमालय की कितनी है एवरेज हाइट? ये है 4,000 meters। दीज आर कॉल्ड लेसर हिमालयाज। उसके बाद आ जाते हैं ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ लेसर हिमालयाज। दी स्नो पीक्ड माउंटेन्स। अब ये कौन से माउंटेन्स हैं? स्नो पीक माउंटेन। ये भी बात पूछी जा सकती है कि कौन से माउंटेन्स जो हैं उनकी पीक स्नोई होती है, तो वो ग्रेटर हिमालयाज हैं। स्नोई माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन सवात, कोहिस्तान एंड गिलगित। एवरेज हाइट ऑफ दीज माउंटेन्स इज़ अबाउट 6,000 meters। द हाइस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ नांगा पर्वत। इस बात को भी आप अंडरलाइन कर लें कि इस जो ग्रेटेस्ट हिमालयाज हैं, जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, उनकी हाइस्ट पीक कौन सी है? नांगा पर्वत, विच इज़ 8,126 meters हाई। ओके, और हमारा लास्ट पे पॉइंट आता है द कराकरम। इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज देयर इज़ अनदर रेंज ऑफ स्नो पीक्ड माउंटेन्स सिचुएटेड इन गिलगित अप टू स्कर्दू। गिलगित से लेके स्कर्दू तक ये वाले माउंटेन्स फैले हुए हैं, और इस सिलसिले का नाम क्या है? कराकरम। दिस इज़ कॉल्ड कराकरम रेंज। द हाइस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान इज़ K2, विच इज़ 8,611 meters हाई। K2 इज़ ऑल्सो कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन। इट इज़ सेकेंड हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 है, और दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट K2 है, और दुनिया की हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है, जो आपने पीछे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था। और जो K2 है, ये दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट है और पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंट रेंज है। और ह्यूज ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द रेंज इन विच सियाचिन, हिस्पार, बलतोरो, बियाफो एंड बतूरा आर इम्पोर्टेंट। ये आपने इन नेम्स को भी अंडरलाइन कर लेना है। इसमें से कोई नेम आ सकता है, फॉर एग्जांपल आपको MCQ आ सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर्स कहाँ हैं? वो कराकरम रेंज में हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लें। सो वी हैव कवर्ड
द फर्स्ट माउंटेन रेंज विच इज़ नॉर्दर्न माउंटेन्स। आप आ जाएं अपनी एक्सरसाइज पे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज गिवन है आपको पेज नंबर 83 पे। पेज नंबर 82 से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। आप पेज नंबर 83 पे शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे एंड फ्रॉम दीज शॉर्ट क्वेश्चंस देयर इज नथिंग फॉर अस। कम टू पेज नंबर 84 एंड लुक एट द क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पेज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑन पेज नंबर 84 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 इट इज़ नेम फोर पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ अगेन नॉट फॉर अस। कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ नोट ऑन नॉर्थर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। वी हैव कवर्ड दिस लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस लेसन। यू विल राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड द आंसर इज़ कम्प्लीट टॉपिक ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। I hope you understood that what is to be done in our homework. Good luck, dear students. Allah Hafiz.